चलिए अब बात करते हैं ग्वालियर की, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और उसके बाद खुद भी आत्महत्या करने की कोशिश की। आरोपी पति को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था और इसी वजह से उसने इस वारदात को अंजाम दिया। ग्वालियर में रिश्तों का कत्ल हुआ। शक ने एक परिवार को पल भर में उजाड़ दिया। एक पति ने अपने ही हाथों अपनी पत्नी का गला घोंट दिया। वारदात ग्वालियर जनकगंज थाना इलाके की है। इसी इलाके में रहने वाले सब्जी कारोबारी इकरार ने गुरुवार रात अपनी पत्नी राबिया पर पहले कांच की बोतल से हमला किया और फिर उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद इकरार ने खुद की भी नस काटकर आत्महत्या की कोशिश की। इस सनसनीखेज वारदात की गवाह बनी इकरार की ही 12 साल की बेटी। भैया आया था तो है ना, उसको भगा दिया था मामू को भी, और है ना वो कांच की शीशी थी वो लेके आए पापा, और है ना और वो मम्मी की पीठ में मार दी, और है ना फिर है ना चक्कू लेके है ना उनके मारने लगे, और फिर है ना मेरे को कमरे में बंद कर दिया, और फिर है ना मम्मी को ना गला घोट के मार दिया। वारदात की खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने राबिया और इकरार को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने राबिया को मृत घोषित कर दिया, जबकि इकरार फिलहाल आईसीयू में भर्ती है। इस हत्याकांड के पीछे शक को वजह बताया जा रहा है। इकरार अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था, इसी की वजह से दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था, और गुरुवार रात भी इसी वजह से इकरार ने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस वारदात की तफ्तीश में जुटी है। इसने बच्ची से जबरदस्ती एक नोट लिखवाया है जो जब्त कर लिया है, और घटनास्थल सील है, उससे जांच करेंगे और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पति पत्नी के रिश्ते की डोर विश्वास से बंधी होती है, लेकिन अगर ये विश्वास टूट जाए तो उसका अक्सर खौफनाक अंजाम हमारे सामने आता है। सुशील कौशिक, जी मीडिया, ग्वालियर।